हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू साइंस क्लास। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉर पार्ट थ्री। इन दिस चैप्टर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमोस्फियर इंटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन विच कैन बी यूज बाई प्लांट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। Why nitrogen is necessary? We know that 78% part of atmosphere is nitrogen gas. This nitrogen is essential for plants as well as animals. But animals and plants, they directly cannot take this nitrogen from atmosphere. So this nitrogen should be converted into some compounds which plants only can take. Animals, they cannot take nitrogen directly. Animals depend for nitrogen on plants. Now, why nitrogen is necessary? We know that proteins, we require proteins, and these proteins are made up of amino acids, and amino acids are made up of nitrogen. So proteins के लिए हमारी body में proteins हमको चाहिए, तो proteins कहाँ से आते हैं? Nitrogen के। Without nitrogen, protein cannot be synthesized. So plants take nitrogen in different forms. They also cannot take, remember, they cannot take nitrogen directly from atmosphere. So this nitrogen of atmosphere, that should be converted into different compounds. These compounds are nitrites, nitrates and ammonia. In these compounds, inki form mein plants nitrogen ko absorb karte hain. अब इस नाइट्रोजन को इन कंपाउंड्स में बदलने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेग्यूम प्लांट्स, फॉर एग्जांपल पी, ग्राम एंड अदर पल्सेस। उनकी रूट्स जो होती हैं, इन देयर रूट्स देयर आर सम स्ट्रक्चर्स फाउंड, स्मॉल स्मॉल बेलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट्स। इन को बोलते हैं रूट नोड्यूल्स, दे आर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। इन दीज रूट नोड्यूल्स सम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, ए पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड राइजोबियम, बैक्टीरियम राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ये नाइट्रोजन जो होती है एटमोसफियर की, इसको किस में कन्वर्ट करता है, इन थ्री दीज कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये कंपाउंड्स वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और रूट्स के थ्रू ये प्लांट्स उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो एटमोसफियर में थी वो इन प्लांट्स में आ जाती है, और दैट इज यूटिलाइज टू प्रिपेयर प्रोटीन्स इन दीज प्लांट्स। नाउ दीज आर प्रेजेंट, दिस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट ओनली इन राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट ओनली इन लिग्यूम प्लांट्स। तो दूसरे प्लांट्स में नाइट्रोजन कैसे अब्जॉर्ब होगी, उसके लिए सॉयल में देर आर सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉयल, और ब्लू ग्रीन एल्गी, दीज टू ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सॉयल ऑल्सो। ये तो रूट्स में होती है बैक्टीरिया राइजोबियम, बट इन सॉयल ऑल्सो सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रेजेंट इन सॉयल विच ऑल्सो कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इन टू दीज कंपाउंड्स। सो इन प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट्स, राइजोबियम एंड इन अदर प्लांट्स, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल, दे कन्वर्ट द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया, एंड दे अब्जॉर्ब दीज कंपाउंड्स फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स। सो नाइट्रोजन कम्स इन टू द बॉडी ऑफ plants and they synthesize protein, which protein we also use, means animals use the protein synthesized by plants. Iske alawa jo nitrogen hai atmosphere ki, that is also fixed by action of lightning. Lightning hoti hai us samay bhi, kya hota hai, lightning ki wajah se atmosphere ki nitrogen in compounds mein convert ho jati hai, nitrate, nitrates and ammonia, that also mixed with soil and plants take these compounds from soil. So these are called natural nitrogen fixers, which fix the nitrogen in compounds naturally. These are called natural nitrogen fixers. So natural nitrogen fixers kaun se hain? Bacteria, rhizobium, iske alawa some bacteria present in soil, and blue green algae. These are called natural nitrogen fixers. Iske alawa nitrogen fixation ka kaam aur kaun karta hai? Lightning. So through these two processes, bacteria, blue green algae, or
लाइटनिंग के थ्रू नाइट्रोजन है दैट इज फिक्स्ड. फिक्स्ड मीन्स दैट इज कन्वर्टेड इन टू सम कंपाउंड्स विच प्लांट्स कैन अब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल. नाउ हाउ द नाइट्रोजन कम्स टू प्लांट्स बॉडी, देन इट गोज टू एनिमल बॉडी एंड अगेन इट रिटर्न टू द एटमोस्फियर. अगर प्लांट्स अब्जॉर्ब भी करते रहेंगे नाइट्रोजन तो क्या होगा, एटमोस्फियर में जो 78% नाइट्रोजन है दैट विल बी रिड्यूस्ड. 78% नहीं रहेगी वो अगर वो अब्जॉर्ब भी करते रहेंगे तो वापस वो नाइट्रोजन क्या होती है, एटमोस्फियर में जाती है थ्रू नाइट्रोजन साइकिल. तो वाट इज दैट साइकिल थ्रू विच नाइट्रोजन रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन एटमोस्फियर, मीन्स एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन दैट इज फिक्स्ड बाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट्स में और अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और वो सारे कंपाउंड्स किस में आ जाते हैं, सॉइल में. दे मिक्स्ड विद सॉइल और फ्रॉम सॉइल दीज कंपाउंड्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. और प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं तो वो नाइट्रोजन कंपाउंड जाती है दैट गोज टू एनिमल्स बॉडी. नाउ व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई then their body decomposes and again that decomposed form nitrogen in decomposed form from plants and animals that again comes to soil. So this becomes a cycle in which nitrogen from atmosphere comes to plants, plants to animals, and after animals also again it comes to soil and again it is taken up by plants from soil. This is one route of coming atmospheric nitrogen into animal body and again it comes to soil. Now second, when lightning occurs it also converts atmospheric nitrogen into compounds and these compounds again taken up by plants. This is half part of this cycle. In this process only atmospheric nitrogen is converted into compounds of nitrates, nitrites and ammonia and that are taken up by plants. So this nitrogen is consumed, atmospheric nitrogen. So दिस विल रिड्यूस 78% है तो वो कम हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन. अब हाफ ऑफ द साइकिल क्या होता है, जो कंपाउंड्स हैं दे अगेन कन्वर्ट इनटू एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. अब कुछ बैक्टीरिया सोयल में उल्टा काम करते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में ना कन्वर्ट करके नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को दे कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन. So some bacteria present in soil they also convert these compounds into nitrogen gas, gaseous form mein convert karte hain, that gas again goes to atmosphere. So the total amount of nitrogen in atmosphere remains constant, that is 78%. So in this way this cycle completes. This is the process of nitrogen cycle in atmosphere. Thank you.